चलिए, 10th क्लास में आपका ए लेटर टू वर्ड्स से कुछ क्वेश्चन हैं। इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ डिड द रेन चेंज। हाउ मीन्स मतलब होता है कैसे, डिड हो गई आपकी हेल्पिंग वर्ब, रेन बारिश, और चेंज मतलब होता है बदलना। तो क्या कह रहा है इसमें, जो रेन है वो क्या हो गई, चेंज मतलब बदल गई। हाउ मीन्स कैसे, जो बारिश हो रही थी वो किस प्रकार से बदल गई। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट हैपन। व्हाट हैपन मीन्स होता है क्या हुआ, टू मतलब को, और लेंचोस फील्ड मतलब लेंचो की फसल को क्या हुआ। तो इसमें दो क्वेश्चन किए गए हैं, बारिश किस प्रकार से बदल गई और उसके खेत को क्या हुआ। चलिए आंसर देखते हैं। तो क्या लिखा है, द रेन वाज पोरिंग डाउन। तो जो रेन थी वो क्या हो रही थी, पोरिंग डाउन मतलब होता है मूसलाधार, इस बारिश को बोलते हैं जब तेज पानी गिरता है उसको बोलते हैं पोरिंग डाउन। तो रेन वाज पोरिंग डाउन मतलब बारिश जो है अच्छी खासी हो रही थी, मूसलाधार इस बारिश हो रही थी। बट मतलब लेकिन, सडनली मतलब अचानक से, आ स्ट्रॉन्ग विंड, स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत या तेज, विंड मतलब हवा, एक तेज हवा बिगेन मतलब लगी, और टू बिलो मतलब चलने लगी। तो क्या कह रहे हैं, बारिश तो अच्छी खासी हो रही थी, सडनली मतलब अचानक से क्या हो गया, ए स्ट्रॉन्ग विंड, एक तेज हवा बिगेन मतलब लगी, और टू बिलो मतलब चलने लगी। अचानक से ही एक तेज हवा चलने लगी। एंड वेरी लार्ज, वेरी मतलब बहुत, और लार्ज मतलब होते हैं बड़े, और हेल स्टॉर्म्स मतलब होता है ओले, और क्या गिरने लगे, बड़े बड़े ओले, बिगिन मतलब लगे, और टू फार मतलब गिनने लगे। अलोंग विथ मतलब होता है के साथ साथ, और किसके साथ साथ गिनने लगे, द रेन मतलब बारिश के साथ साथ गिनने लगे। तो यहाँ पर क्या बताया है, क्वेश्चन ने क्या पूछा था, बारिश किस प्रकार से बदल गई। तो जो बारिश है, सबसे पहले बारिश कैसी हो रही थी, पोरिंग डाउन मतलब मूसलाधार बारिश हो रही थी, अच्छी खासी बारिश चल रही थी। बट मतलब लेकिन, सडनली मतलब अचानक से ही क्या हो गया, ए स्ट्रॉन्ग विंड मतलब एक तेज हवा बिगेन मतलब लगी, और टू बिलो मतलब चलने लगी। अब जो हवा तेज चल रही थी, और हवा तेज चलने के कारण क्या गिनने लगे, वेरी लार्ज हेल स्टॉन्स बहुत बड़े बड़े ओले बिगेन मतलब लगे, और टू फॉल मतलब गिनने लगे। अलोंग विथ मतलब होता है के साथ साथ, किसके साथ साथ गिनने लगे, द रेन मतलब बारिश के साथ साथ ओले भी गिनने लगे। तो ये आपका आंसर हो गया फर्स्ट का, किस प्रकार से बारिश बदली, चेंज हुई थी। सेकेंड पूछा है, व्हाट हैपेंड मतलब क्या हुआ, टू लेंचोस फील्ड उसकी फसल को क्या हुआ। तो यहाँ आंसर दिया है, ऑल द क्रॉन, क्रॉन फसल होती है भुट्टे की फसल को क्रॉन बोलते हैं। तो क्या लगा था उसके खेत में, क्रॉन की फसल लगी थी मतलब भुट्टे या मक्का की खेती करता था लेंचो। तो क्या लिखा है, ऑल द क्रॉन मतलब जो सारे जो भुट्टे की फसल थी, इन मतलब मैं लगी थी, काय में लगी थी, लेंचोस फील्ड लेंचो के खेत में जो भुट्टे लगे हुए थे वो क्या हो गए, बाज डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड मतलब होता है खराब होना या नष्ट होना। तो सारी जो भुट्टे की फसल थी कहाँ लगी थी, लेंचो के खेत में जो लगी थी, बाज डिस्ट्रॉयड वो क्या हो गई, नष्ट हो गई। तो ये आपका सेकेंड आंसर हो गया। चलिए दोनों आंसरों को एक बार और समझते हैं। पहला क्वेश्चन किया गया था, किस प्रकार से बारिश बदल गई है। तो क्या लिखा है, द रेन वाज पोरिंग डाउन, जो रेन चल रही थी कैसी चल रही थी, पोरिंग डाउन मतलब मूसलाधार बारिश हो रही थी। लेकिन बट सडनली मतलब अचानक से ही क्या हुआ, ए स्ट्रॉन्ग विंड मतलब एक तेज हवा बिगिन टू ब्लो मतलब चलने लगी, बिगिन टू ब्लो मतलब एक तेज हवा चलने लगी। तेज हवा चलने के कारण क्या होता है, वेरी लार्ज हेल स्टॉर्म मतलब बहुत बड़े बड़े ओले क्या हो गए, बिगिन टू फॉल मतलब गिनना शुरू हो गए, किसके साथ गिनने लगे, अलोंग विद मतलब होता है के साथ साथ, किसके साथ साथ गिनने लगे, द रेन बारिश के साथ साथ बड़े बड़े ओले गिनने लगे, इस प्रकार से रेन बदल गई थी। दूसरे में पूछा गया है, किस उसकी उसके खेत को क्या हुआ। तो आंसर में लिखा है, ऑल द क्रॉन उसकी जो क्रॉन मतलब भुट्टे की जो फसल थी, और कहां लगी थी, इन द लेंचोस फील्ड मतलब उसके खेत में लगी हुई थी, वो क्या हो गई, बाज डिस्ट्रॉयड मतलब पूरी तरह से नष्ट हो गई।